अस्थमा लंग्स की पुरानी बीमारी है जो दूषित हवा की वजह से होती है। इस वजह से अस्थमा पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स नैरो हो जाते हैं और इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम की वजह से लंग्स में एयर पास नहीं हो पाती है और जिस वजह से पेशेंट को चेस्ट में टाइटनेस फील होता है, कफिंग होती है और ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। अस्थमा की वजह से दुनिया में हर साल 2,50,000 लोग मरते हैं। अस्थमा होने की वजह पॉल्यूशन, स्मोकी एयर और सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक किसी भी एज में अस्थमा हो सकता है। ज्यादातर प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करने से बच्चों को अस्थमा का प्रॉब्लम होता है और इसके सिवा फैमिली में किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम होगा तो उस वजह से भी वो जीन से ट्रांसफर होता है। अस्थमा डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए पाइरोमेट्री टेस्ट की जाती है जिसमें पेशेंट का लंग फंक्शन चेक किया जाता है जिससे पता चलता है कि कितना एयर इनहेल और एक्सहेल हो रहा है। स्पाइरोमेट्री टेस्ट ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के लिए काफी यूजफुल होती है लेकिन ये टेस्ट 6 साल से छोटे बच्चों के साथ करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कुछ सुपर फूड्स जिससे अस्थमा ठीक हो सकता है। अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल लिव लॉन्ग हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फूड्स दैट फाइट अस्थमा। एप्पल। अस्थमा पेशेंट्स के लिए एप्पल खाना बेस्ट है। अगर आप 2 से 5 एप्पल्स खाते हैं वीक में तो अस्थमा का रिस्क 32% कम हो जाता है। रिसर्च के हिसाब से एप्पल का फ्लेवोनॉइड कंपाउंड बेनिफिशियल होता है अस्थमा में। खरबूजा। खरबूजा में विटामिन सी का सोर्स बहुत होता है जिससे लंग डैमेज हो जाते हैं। जापान में रिसर्च स्टडी से पता चला है कि विटामिन सी ज्यादा खाने लोग अस्थमा से कम सफर करते हैं। कैरेट्स। कैरेट्स में बीटा कैरोटीन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है और ये बीटा कैरोटीन बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है और इस वजह से एक्सरसाइज करते वक्त होने वाले अस्थमा से रिलीफ मिलता है। कॉफी। कॉफी पीने से 4 घंटे तक लंग्स में एयर फ्लो फंक्शन इम्प्रूव होता है। स्पिनच। पालक में मैग्नीशियम और पोटेशियम का सोर्स होता है। आपके बॉडी में अगर इन चीजों की कमी होगी तो अस्थमा हो सकता है और इसीलिए पालक खाना अस्थमा पेशेंट्स के लिए अच्छा है। गार्लिक। गार्लिक में एसिलिन नाम का बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये एसिलिन बॉडी में डीके होता है जिससे एसिड प्रोड्यूस होता है और इस वजह से अस्थमा के जो फ्री रेडिकल्स यानी कि मुक्त कान होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये फूड्स खाने से अस्थमा पेशेंट्स को राहत मिलेगी लेकिन कोई भी फूड अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना ना खाइए क्योंकि अस्थमा अलग टाइप के होते हैं तो इस वजह से कोई कोई फूड की एलर्जी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके सिवा और कोई फूड आप जानते हैं जो अस्थमा पेशेंट के लिए अच्छा होगा तो कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।